हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट वीडियोस दिखा देता हूं जो मैंने यूट्यूब पे पहले ही अपलोड कर दी थी 14 मई को ही। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आराम से हमको 48,700 तक का टारगेट दिखा सकता है। बाकी अगर नीचे जाता है तो ये वापस सपोर्ट लेके वापस नीचे से ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके शुरुआत में वापस ऊपर आ जाएगा। और अगर ये ऊपर जाता है तो ये एक बार टेस्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। तब तक के लिए अपना जितना भी कैपिटल है वो बचा के रखें और बी सेफ। तो फ्रेंड्स, मैंने 14 मई को ही बता दिया था कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन में है। वो है, पहला तो है 47,900 वाला और उसके बाद में दूसरे नीचे से सपोर्ट ले रहा है 47,600 का। लेकिन उससे पहले मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था इस ट्रेंड लाइन का। एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर उसने यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया। ठीक है, ओके। तो मैं एक बार यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूँ, उसके अंदर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये देखिए, ये है 47,900 का, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मार्केट आपको देखोगे तो देखो, जैसे ही 15 को खुला तो 15 को भी मार्केट यहाँ पे ही था, है ना। ये देखिए 15 को जब मार्केट खुला तो यहाँ पे खुला, लेकिन उसके बाद में डायरेक्ट नीचे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। फिर मार्केट अगले दिन जब खुलता है तो ये 16 मई को यहाँ पे खुलता है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज उसी 14 मई वाले में बताया था कि मार्केट पहली बार तो यहाँ पे ही इसके बीच में रहेगा, लेकिन उसके नीचे अगर चला जाता है तो कंसोलिडेशन करके फिर ये ऊपर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो उस दिन तो मार्केट ने नहीं किया है, यहाँ पे तो नहीं किया है। लेकिन जब हम 16 मई का चार्ट देखते हैं तो सेम मार्केट ने यही किया, एक बार नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, फिर ये नीचे गया, फिर ये वापस ऊपर चला गया। तो लेकिन मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी करेगा, लेकिन इंडिया विक्स इतना हाई है, इंडिया विक्स अभी 20 पे चल रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट सच में वॉलिटिलिटी को दिखाई गई, लेकिन इतना ज्यादा दिखाई गया इसका पता नहीं था मुझे भी। अब मार्केट को देखा जाए तो 16 मई को क्लोज कर रहा है मार्केट लाइन के ऊपर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी 47,900 वाली, उसके ऊपर ही। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है 48,000 वाला, जो कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। आज मार्केट ने सेम वही किया, देखिए आप, ओपन तो हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, ये मैं 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ ना, इसके ऊपर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद में मार्केट ऊपर गया, 47,000 के ऊपर भी गया, लेकिन फिर बाद में पूरे दिन यहाँ पे ही घूमता रहा। तो कुल मिला के मार्केट अभी है ना ट्रैप कर रहा है। और एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट जो है 2 दिन जो है पूरा कंसोलिडेशन में रहता है, उसके बाद में मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। अभी क्या है कि मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन में आ गया है, फिर मार्केट देखिएगा यहाँ पे 48,000 के सामने रुका हुआ है। अभी का सिनेरियो क्या हो सकता है अपनी, कि मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, अच्छा खासा बेस बनाए, उसके बाद में ऊपर जाए। जैसे कि जैसे 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो वो जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उसमें अपने को फायदा अच्छा खासा रहेगा। देखिए वनडे चार्ट में अगर मार्केट को हम देखते हैं तो वनडे चार्ट के अंदर मार्केट देखो एक वेज के अंदर है। पहले तो यहाँ से यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, ऊपर तो ये रेजिस्टेंस है, नीचे ये सपोर्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट जो है यहाँ पे, अब अगर आप ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पे खींच के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मार्केट जो है यहाँ पे देखिए, पहले तो एक बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। फिर बाद में अगले दिन आया लगभग यहीं से, जैसे 16 मई को भी इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके ये ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन मार्केट जो है वो अभी भी बुलिश में नहीं आया है पूरी तरीके से। अभी का सिनेरियो क्या है कि मार्केट तब तक बुलिश नहीं होगा जब तक मार्केट 48,500 को ये क्रॉस ना करे, तब तक मैं बुलिश नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है ना ट्रैप कर सकता है अच्छा। तो देखिए 45 मिनट चार्ट में अगर हम मार्केट को देखते हैं ना, तो मार्केट ने कुछ ज्यादा खास मूवमेंट दिखाया नहीं है अपने को, है ना। क्योंकि देखो एक ही कैंडल के अंदर ये मूवमेंट दिखा देता है, ये यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ एक कैंडल में चला गया, उसके बाद में मार्केट देखिए रुके कंटिन्यूसली 45 मिनट के लिए डोजी बना रहा है, देखिए कितने दिन से। फिर ये 15 मार्च को देखिए दोबारा ये दो तीन कैंडल इसने नीचे बनाई, उसके बाद में कितनी छोटी छोटी कैंडल बनाई है। उसके बाद में जब हम 16 मई का चार्ट देखते हैं ना, तो देखिए मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना रहा है, तो हम वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। क्योंकि रिटेल जितने भी है ना यहाँ पे रिटेल्स वाले, वो तो यहाँ पे 100% ट्रैप होते हैं। बाकी ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल है ना, ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही बना सकते हैं, है ना। अब देखिए कंटिन्यूसली 3 कैंडल इतनी बड़ी बड़ी इसने बनाई है, जो कि पूरा पूरा शो कर रहा है कि नीचे जाएगा, लेकिन एक ही कैंडल में जितना भी नीचे गया था वो वापस ऊपर ले लिया, नेक्स्ट कैंडल में वापस नीचे गया, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि मार्केट ट्रैप करता है ना। लेकिन जब अपन एंड में देखिए, मार्केट एंड में क्या कर रहा है, लास्ट वहीं पे क्लोज दे दे रहा है जहां पे ये ओपन हुआ था, ज्यादा मूवमेंट दिखाता नहीं है। आज का मार्केट देखिए तो आज भी देख लीजिए आप, 1-2 कैंडल तो है ना इसने दिखाई है अच्छी खासी, उसके बाद में डोजी हैमर फिर डोजी फिर स्पिन टॉप ये सभी दिखाए हैं, तो उसका कोई 3 कैंडल का कोई मीनिंग नहीं निकलता अगर इतना ज्यादा। लेकिन हाँ, एक चीज इसका मीनिंग निकलता है कि जितना ज्यादा मार्केट इतना ज्यादा साइडवेज होता है, तो ये भी कंफर्म है कि मार्केट
ट्रेंडिंग भी बहुत खतरनाक होगा और अपने को अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन वो प्रॉफिट आपके तभी बनेंगे जब आप पैसा बचा के रखेंगे, कितना भी हो सके आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है, एक या दो ट्रेड कर लो अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखो, उससे ज़्यादा अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप मार्केट में फंसेंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। क्योंकि आपने खुद ने भी देखा है कि आप दो दिन तो साइडवेज मार्केट जाता है लेकिन अगले ही दिन इतना खतरनाक मार्केट ट्रेंड करता है कि आपको लगता है कि हाँ मेरा अकाउंट जो भी है जितना भी मान लीजिए 10,000 भी है तो मैं उसके 20 या 30,000 रुपये आराम से बना सकता था, लेकिन आपको लगता है कि मैंने तो गलती कर दी, मैंने तो अपना स्टॉप लॉस फिक्स नहीं रखा। तो अभी के मार्केट में यही आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही सोच समझ के एकदम फ्री टाइम हो तो ही काम करना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना है मार्केट में। अगर आपको बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल ही काम मत करिए, कोई बात नहीं है। अकाउंट को अगर आप सेफ रखेंगे मनी को तो ही आप ग्रो कर पाएंगे ऐसे मार्केट में, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि 20 का जो है वो कभी भी 10 हो सकता है लेकिन 20 वाला एक होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा बच के रहें और अच्छे से ट्रेड करें। जितना भी कंसोलिडेशन मार्केट कर रहा है वो हमारे लिए अच्छे के लिए ही है, क्योंकि इलेक्शन भी पास में आ रहे हैं तो मार्केट रुक के ही ट्रेंड देगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।